आपको मैडम ने बताया होगा कि लव स्टोरी हमेशा लड़कों से स्टार्ट होती है, तो हाँ जी यहीं पर यही है कि लव स्टोरी मेरे से स्टार्ट हुई थी। मैंने इसको बोला था पहले हम दोनों, हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई उससे कुछ दिनों पहले की बात बताता हूँ कि हम दोनों एक स्कूल में पढ़ते थे पहले। इसका गांव मेरा गांव पास पास में था, इसलिए मैं इसके एक दो किलोमीटर ज़्यादा थोड़ा था। फिर मैं इसके गांव में आया 11th क्लास में, क्योंकि हमारे गांव में 11th की स्कूल नहीं थी ना, इसलिए इसके गांव में आया 11th क्लास में। फिर क्या हुआ, 11th क्लास में तो मेरे को पसंद नहीं थी, 11th क्लास में कोई और लड़की पसंद थी मेरे को, बट इधर 12th क्लास में पसंद आई मेरे को, 11th में नहीं थी। फिर क्या हुआ कि मैं 11th में लग गया लॉकडाउन, 11th में लॉकडाउन लग गया तब वो तो छुट्टियां हो गई, मैं अजमेर चला गया एकेडमी में चला गया था। तब क्या हुआ, फिर स्कूल खुली ना, फिर मैं आया तब मैं 12th क्लास में था। फिर क्या हुआ, वो लड़की पसंद थी ना पहले वाली, उसको मैंने बोला नहीं, फिर भी मैंने उसको छोड़ दिया फिर पसंद करना, फिर मैं इसको लाइक करने लग गया। तो बात करता है एक बंपर की बात करता है। फिर मैं पसंद नहीं, मैंने बोला था ये बताने जरूरी थोड़ी है। फिर क्या हुआ कि वो लड़की, मैं उसको छोड़ दिया, मैं इसको पसंद करने लग गया। ऐसे होते लड़के, आपको पता है एक को छोड़ देते हैं। अरे अरे ऐसा नहीं, अभी छोड़ दूं क्या। फिर क्या हुआ, मैं इसको लाइक करने लग गया, फिर मैंने इसको एक महीने तक तो बोला नहीं। फिर इसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, और एक मेरा फ्रेंड था उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, हम वीडियो देख रहे होंगे समझ गए होंगे कौन थे। फिर क्या हुआ, मैं इसको बोला, इसकी फ्रेंड को बोला, मैंने बोला इसको मैं बिल्कुल भी नहीं समझ, मैं सोचती थी क्लास में सबसे सीधा लड़का है, ये सब कुछ निकलेगा, ये सब शक्ल से सही दिखता था, शक्ल से सही कहानी, मुझे ऐसे लगता था सबसे सीधा, मतलब किससे भी नहीं सोचता था कोई लड़की से। मैंने आपसे कुछ बोल दिया, मेरे भी नहीं देखा, मेरे साथ ही पढ़ते थे। मना कर दिया था एक बार की बोली, मैं इससे लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहती। फिर क्या है, इसके गांव में एक बार लगा था मेला, हर बार लगता है मेला लगा, उसी दिन ये आई थी और इसका और इसकी फ्रेंड आई थी और मेरा फ्रेंड आया था और मैं आया था स्कूल में, हम चार ही जने थे। उस दिन मैंने इसको बोला, उस दिन इसने हाँ कर दिया। फिर अगले दिन इसने बोला कि हाँ नहीं किया, इसने बोला कि मैं अगले दिन सोच के बताऊंगी, मैंने बोला ठीक है रात रात वेट कर लेते हैं। कल मैं जल्दी चला गया, फिर ये भी आ गई, इसने बोला मेरी तरफ से हाँ है। फिर इसने मेरे को लंच टाइम में नंबर दिए और बोली ये लो नंबर, इसमें रिचार्ज नहीं है। देखो मेरे पास फोन नहीं था, मैं क्लास में उठती थी, हमारे घर वाले बोलते कि ट्वेल्थ पास करो, उसके बाद फर्स्ट ईयर में लगे क्योंकि पढ़ाई भी डाल दी रहता, इसलिए मेरे घर में मम्मी का फोन था, मम्मी का अलग था, वो एक अलग से था। हाँ वो अलग से सिम पड़े थे ना, बंद उसके नंबर ला के दिया, इसमें रिचार्ज कर देना, कॉल कर दे। मैंने बोला ठीक है कर दूंगा। इसने मेरे को नंबर दिए, मैं स्कूल की छुट्टी होते मैंने रिचार्ज करा दिया। रिचार्ज करते ही रात को इसका कॉल आया मेरे पास, लगभग कितने बजे आया लगभग 10-11 बजे इसका कॉल आया, और ये पहचान गए, मैंने बोला कौन हो आप, वो
और यही आप आपको नंबर दिए थे ना वही हूँ। फिर मैंने बोला मैं पहचान गया। फिर हमारी दोनों की बात स्टार्ट हो गई। वहाँ से स्टार्ट हुई थी हमारी बातें। क्या है कि बाहर साउंड लगे हुए कोई बड्डे थोड़ी सी वॉइस आए ना तो आप कर लेना कन्वेंस। तो भाई वहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी। तो फिर एक दो महीने बच्चे थे स्कूल के वो ऐसे चले गए। मतलब बातचीत होती रहती, घर पे आते रहते थे। और जब भी हमारा क्लास टेस्ट होता था ना, मैं तो टेस्ट करता ही नहीं था, इससे करवाता था ये करके थे। एक हमारे सर थे बहुत अच्छे थे, कुछ वो लेते थे ना हमारा टेस्ट, तो मैं अपनी कॉपी से दे देता था कि मेरा टेस्ट कर दे, ये करके मेरे को दे देते थे। फिर क्या हुआ, फिर आ गई विदाई पार्टी, विदाई होने वाली थी, तब इसका बर्थडे आया था। तब हमने सोचा था ये लास्ट टाइम है, अब कभी नहीं मिलेंगे। फिर वहाँ पे एक दिन रहे साथ में। फिर क्या हुआ, अगले दिन ये आई नहीं स्कूल। वो फिर ये अगले दिन स्कूल आई नहीं। फिर मैंने इसको बोला यार एक दो दिन तो आ जा। फिर ये अपनी फ्रेंड को लेके एक दो दिन आ गई। वैसे एक मेरा फ्रेंड था, हम क्लास में बातें करते थे ना, वो गेट पे खड़ा होके देखता रहता था कि कोई सर वगैरह नहीं आ रहे। सर वगैरह आते थे ना, सर वगैरह आते थे ना, वो बोल देता था भाई खड़ा हो जा सर आ रहे हैं, एक साथ क्यों बैठे हो। उस स्कूल में बैठने नहीं देते थे एक साथ, इसलिए छुप छुप के बैठना पड़ता था। फिर वो तो विदाई पार्टी तो हो गई। फिर हम गए थे, क्या लेने गए थे, प्रवेश पत्र लेने गए थे, तब मिले थे। फिर ये वहाँ ये मैडम लग गई थी रोने। फिर क्या हुआ, अगले दिन इससे मैं बात कर रहा था, इसके घर पे पता चल गया। क्या पता कि किसने देखा था बात करते हुए, इसकी सिस्टर ने देख लिया था इससे बात करते हुए। फिर हमारी 6 से 7 हाँ, तो इसके घर वालों ने देख लिया। फिर 10 से 12 दिन बात नहीं हुई। फिर हमारी एग्जाम स्टार्ट हो गई, एग्जाम में मिलते थे। फिर हमारे 1 महीने तक चले थे एग्जाम, 1 महीने तक एग्जाम चले थे, उसमें इसने फोन नहीं किया, वहीं पे मिलते थे एग्जाम सेंटर में। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद मैं इसको देखने थे, इसके गांव आता ही रहता था, बाइक लेके हम आ जाते थे देखने के लिए। अरे दीवार पे तो खड़ी रहती थी ये, गाय जैसा कुछ नहीं है, अपनी दीवार पे बैठी रहती थी, कभी भी चला जाओ वहीं पे है ना बैठी रहती थी ऐसी। क्या पता क्या देखती थी उधर, इसको रहता था। नहीं नहीं मुझे बोलती थी पहले कि बाहर आऊंगी बस। हाँ तो ये तो मैं बोलता था, पर ये कभी कभी है ना वहाँ बैठी दिखती थी, मैं इसको डांटता भी था कि बाहर मत बैठा कर, क्या पता क्या देखती थी वहाँ पे। फिर हमारी बात चलती रही। एग्जाम खत्म होने के बाद 1-2 महीने बाद हमने बात की, 1-2 महीने। फिर इसकी बड़ी वाली सिस्टर ने देख लिया। फिर क्या पता इसको चांटे वांटे भी पड़े होंगे, पता नहीं, साथ पता नहीं है मुझे, चांटे वांटे 1-2 तो पड़े ही होंगे। फिर इसकी सिस्टर ने इसको फोन दिए ही नहीं, लगभग इसने बात करना छोड़ दिया था मेरे से। कितने दिन छोड़ा था, जोर से बोल, जोर से 3 महीने। अच्छा, इसने 3 महीने बात करना छोड़ दिया था। मैं अजमेर चला गया था एक गेट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ तक आ गए, क्योंकि आगे वाले वीडियो है ना, कहाँ निकले हम, कैसे दिल्ली आए, कैसे रहे, कैसे सब कुछ आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो उसके लिए आपको 1 या 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।